गाइस लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी, जिसके लिए आपको सबसे पहले 5 अनियन चाहिए। इस साइज़ के अनियन आपको चाहिए, अगर इसे बड़े तो आप मैनेज कर लीजिएगा। और आपको गोश्त चाहिए, गोश्त में मैंने यहाँ पे बोन वाली भी ली है और बोनलेस भी ली है। आपने ये दोनों लेनी है, बोन वाली से ही स्टू का ज़्यादा मज़ा क्रिएट होता है। अच्छे से वॉश करके मैंने सेपरेट कर लिया है और अब मैं यहाँ पर जो मैंने आपको प्याज सिखाई थी वो प्याज मैं इसे इस तरह की फाइन चॉप्ड करूँगी। कटिंग करेंगे हमने, कटिंग करने के बाद इस प्याज को ऐड कर देना है गोश्त के साथ। अब खड़े मसालों में हमारे पास ये राउंड बटन वाली जो चिली है ये जाएगी, आई डोंट नो द नेम, और ये दालचीनी जाएगी, इसमें सिनेमन स्टिक और क्लोव्स जाएंगे, इलायची जाएगी छोटी और बड़ी दोनों, ठीक है। और हमारे पास बे लीव्स जिसे क्या कहते हैं, तेज पत्ते हैं क्या, ये जाएंगे। एंड गाइज इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा और यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हुआ है। ये ऑप्शनल स्टेप है, अगर आप चाहें तो 2 टोमेटोज डाल दें और अगर आप ना चाहें तो इट्स ओके, इट्स ऑल अपॉन यू। मैंने यहाँ पे 2 टोमेटोज लिए हैं, पील समेत मैं इसे डालूंगी और ये इस तरह से मैंने छोटा सा मैजिक किया और ये मैजिक डन हो गया, हमारे चॉप्ड खुद हो गए टोमेटोज, ये टोमेटो ऐड कर देंगे। अच्छा जी, इस रेसिपी के लिए जो ऑयल चाहिए मुझे, तकरीबन इतना ही ऑयल चाहिए, इससे ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल हमने ऐड कर दिया है यहाँ जी, तो हल्का सा यहाँ पर ऑयल गर्म होगा और फिर हम जितने भी हमने चॉप्ड वेजिटेबल किए थे, कटिंग की थी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हाँ जी, तो ये फ्रेश प्लेट है चॉप्ड टोमेटोज और जो कटिंग की थी हमने अनियन की, 5 अनियन की, ये सारी हम इस उबलते हुए ऑयल में डाल देंगे और इसमें हम जो खड़े मसाले की मैंने आपको प्लेट दिखाई थी ये सारा श्याम ऐड। ओके जी, अब इसमें गोश्त ऐड करेंगे हम। गोश्त मैंने आपसे कहा था बोनलेस और बोन वाले दोनों लेने हैं, हमने ये ऐड कर दिया। और जी इस वक्त कितने हसीन तस्वीर आ रही है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी अकॉर्डिंग टू यू आर्टिस्ट सॉल्ट, टेबल सॉल्ट मैंने इसमें ऐड किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल चुकी हूँ मैं इसमें, ये जी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा, कम खाते हैं तो कम। मिक्स करेंगे हम इसे अच्छे से, मिक्स करेंगे। हाँ जी, तो इस स्टेप पे अब हम पानी डाल देंगे। ये मेरे कोई 2 ग्लास के इक्विलेट वाटर इसमें आता है, मैंने ये डाल दिया, आपने भी 2 ग्लास के तकरीबन डाल देना है और जितने भी केजी आपके मीट होगा उसके अकॉर्डिंग आप सेट करके इसमें वाटर ऐड कर देंगे। वाटर चला गया जी, थोड़ा सा मिक्स अगेन करते हैं और फिर उसके बाद हम इसे बंद करके आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि हमारे गोश्त अच्छे से गल ना जाए। पानी सूखे तो पानी फिर और ऐड कर देना है और फिर जब तक कि गोश्त जितना भी लेवल का आप गला हुआ खाते हैं, आपने वो लेवल जब हो जाएगा आपने इसको बंद कर देना। मैंने देखा मौसम बड़ा ही हसीन हो रहा है स्टू बनाते वक्त, तो चलो ज़रा दिखा देंगे। मेरे रूम की विंडो है, ये हमारा लॉन्च है और यहाँ पे हमने फ्रिज सेट किया हुआ है और ये बाहर हमारे घर के पार्क है, ये नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत आ रहा था। मैंने कहा चलो जब तक वो बना रहे हैं मैं यहाँ पे अपनी आँखों को ज़रा आराम दूँ और आप लोगों को भी आराम दूँ, बिकॉज ग्रीनरी देखने से आँखों पर बहुत आराम मिलता है। तो जी ये है छोटा सा प्यारा सा हिस्सा मेरे घर का। और जी वापस आते हैं यहाँ पर, मैंने 2 घंटे बाद, क्योंकि एक बड़ा गलने में टाइम ले रहा था, मैंने और वाटर इसमें ऐड कर दिया और मैंने इसे छोड़ दिया। अगर आपके पास कुकर है तो बेटर यूज़ कुकर, यही सारी चीज़ें करके आपने कुकर में डाल देना, नहीं तो मेरे जैसे वेले होते तो सी यही काम करते रहो। हाँ जी, अब मैं ओपन कर रही हूँ और आप फाइनल इमेज देख सकते हैं, धुआं धुआं, ये है पुलाव। हमारे यहाँ स्टू के साथ पुलाव खाया जाता है, पुलाव की रेसिपी कभी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, आज दावत थी हमारे यहाँ। तो ये अब देखें जी, ये इस तरह का क्रीमी क्रीमी पिंकी पिंकी सा टेस्ट आ चुका है, हर चीज़ ज़बरदस्ती गल चुकी है और ये फाइनल लुक था जो कि मैंने इसमें और थोड़ा सा वाटर ऐड करके, जब तेल सेपरेट हो गया था, इसको मैंने पुलाव के साथ सर्व किया। गाइस आप लोगों को पुलाव की भी रेसिपी शेयर करूँगी, मेरे पेज को लाइक सब्सक्राइब करें और रेसिपी को ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।